follow clue. हेलो हेलो बच्चे, एक बार जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या साउंड क्लियर है आप लोगों को सभी को? एक बार जल्दी से बताओ फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, राम राम भाई सभी को, नमस्कार, जय हिंद। चलो एक बार फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट में लिख के बताओ। आई एम द फर्स्ट व्यूअर, ओके। एक बार बताओ जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, साउंड क्लियर है? एम आई ऑडिबल? फास्ट, अच्छा परफेक्ट है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। आप लोग, आज हमारा सेट कौन सा है? सेट नंबर बताओ जल्दी से, कौन सा सेट नंबर हम लोग कर रहे हैं? और आज बीच में कोई बातचीत नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी वी आर 6 to 7 मिनट लेट। सो आप लोग फटाफट जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। कौन सा सेट नंबर है बच्चे? हमारा जो सेट नंबर है आज, सेट नंबर 132 सेट नंबर है आज हमारा 132, ठीक है। तो जिनके पास बुक है वो बुक लेके बैठो जल्दी से और लिखना स्टार्ट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा 132, हाँ सर भूख लग जाती है फिर, अच्छा ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगती है। आप लोग फटाफट जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है स्क्रीन पे, फास्ट। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो जल्दी से साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है स्क्रीन पे, एंड द फर्स्ट वर्ड वी हैव ऑन द स्क्रीन इज इफ इट। व्हाट डज इफ इट मीन? क्या है इफ इट का मतलब? इफ समथिंग गेट्स इफिटेड, अगर कोई चीज इफिट हो जाती है तो इसका क्या मतलब है? वो चीज और शक्तिशाली होती है, बलशाली हो जाती है, या वो कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, क्षणिक यानी क्षणिक बोल रहा हूं हिंदी में, इंग्लिश में, या वो एग्जॉस्ट हो जाती है। इफ आई गेट इफिटेड, अगर मैं इफिटेड हो जाता हूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा बलशाली हो गया हूं, स्ट्रेंथ आ गई है मेरे अंदर, या मैं एग्जॉस्ट हो गया हूं, या चलिए हाँ जल्दी से बताइए फटाफट। ओके बेटा चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों ने दे दिया है, तो मैं सिनोनियम लिख देता हूं, वो सिनोनियम जो इसका पेपर में आ चुका है, enervated, enervated, enervated. If a person या if something gets irritated, it means that person get enervated. हिंदी में हो जाएगा कमजोर पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना, कमजोर हो जाना, कमजोर पड़ जाना यानी कि कमजोर हो जाना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इफिट, या सिनोनियम के हिसाब से आंसर हम लगा देंगे, अभी ऑप्शन के हिसाब से आप ढूंढिए। हॉस्टाइल क्या होता है बेटा? हॉस्टाइल होता है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, ठीक है। इफिट का मतलब होता है इनर्वेटेड यानी कि कमजोर पड़ जाना, इनर्वेटेड या कमजोर पड़ जाना, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें सिनोनियम भी लिख सकते हैं, वीकेंड, WEAK, लिखो फटाफट जल्दी से, WEAKENED, वीकेंड, कमजोर पड़ जाना। क्लियर हो गया सभी को? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ हॉस्टाइल तो अनफ्रेंडली होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एग्जॉस्टेड, या अगर कोई चीज इफिट हो जाती है तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि हाँ बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कमजोर पड़ जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिक, नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिक। चलिए फास्ट आंसर, एक बार लाइक तो कर दो, कम से कम अंगूठा वहां तो लगा दो। एकलव्य ने तो अपना अंगूठा काट के दे दिया था, तुम अंगूठा वहां भी नहीं लगा सकते गुरु दक्षिणा में। चलो फास्ट, अगला क्वेश्चन है ऑब्लक। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ऑब्लक क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, ऑब्लक क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्लक। चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्लक? फ्लॉन्ट का मतलब तो मैं बता देता हूं आपको, यहां से शो ऑफ, फ्लॉन्ट करना मतलब शो ऑफ करना। बाकी ऑप्शन के हिसाब से बताइए। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है नॉट नोन, नॉट नोन। अगर कोई चीज नोन ना हो या अंडरस्टूड ना हो, क्लियर ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्क्योर। तो फटाफट आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी, फास्ट। ऑब्लक का क्या मतलब है? चलिए हिंदी में बता देता हूं, बाकी फिर ऑप्शन आप ढूंढिए। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष, अगर हिंदी गलत हो तो क्षमा उसके लिए। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अगर कोई चीज आप सीधे सीधे नहीं कहते हो, अप्रत्यक्ष रूप से कहते हो, तो वो कहलाता है ऑब्लक। तो जल्दी से फटाफट बताइए, फास्ट। बुक वाला क्या है वो मैं बाद में कराऊंगा, आप पहले यहां बताइए जल्दी से। ऑब्लक का क्या मतलब होगा? फ्लॉन्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना। अगर और वर्ड चाहते हो तो लिख सकते हो वॉन्ट, V-A-U-N-T, वॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है वॉन्ट या शो ऑफ करना। दिस इज कॉल्ड फ्लॉन्ट। फास्ट जल्दी, चलिए बताइए क्या आंसर होना चाहिए। जय हिंद बेटा, जय हिंद। चलिए, तो ऑब्लक का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को बोलना या एक्सप्रेस इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली किसी बात को कहना या एक्सप्रेस करना, दिस इज कॉल्ड ऑब्लक। क्लियर हो गया सभी को? ऑब्लक तो लिख देंगे कि एक्सप्रेस्ड इनडायरेक्टली, एक्सप्रेस समथिंग इनडायरेक्टली, किसी चीज को इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करना, दिस इज कॉल्ड ऑब्लक। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, कैटेस्ट्रॉफी। चलिए फास्ट जल्दी फटाफट आंसर दो। व्हाट इज कैटेस्ट्रॉफी? इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, दिस इज कॉल्ड प्रलय। कहते हैं ना भाई प्रलय आ गई है, दिस इज कॉल्ड कैटेस्ट्रॉफी इज प्रलय। फटाफट आंसर दो, ऑप्शन के हिसाब से बताओ। मैं आपको सिनोनियम बता देता हूं इसके, लिखते रहना जो सिनोनियम बताऊं। दिस इज कैलामिटी, ऑब्लिक डिजास्टर, कैलामिटी ऑब्लिक डिजास्टर। या कैटक्लिज्म, या कैटक्लिज्म, आप इनमें से वर्ड यूज कर सकते हो। CATACLYSM, कैटक्लिज्म। तो आप कोई सा भी वर्ड कैटेस्ट्रॉफी के लिए यूज कर सकते हैं, कैलामिटी, डिजास्टर या कैटक्लिज्म। और इसका मतलब होता है प्रलय, आपदा आ जाना। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए बताइए जल्दी से फटाफट। व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन? फास्ट जल्दी। ओके, ए इज द फाइनल आंसर, ट्रेजेडी। दिस विल बी द आंसर। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये पहले भी आ चुका है, अब इसका आंसर बेटा गलत मत करना, जल्दी से बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। एब्स्योर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्स्योर? जल्दी फास्ट। मैं ऑप्शन के मीनिंग बता देता हूं आपको तब तक। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, दिस इज कॉल्ड डिनाउंस। जल्दी फास्ट। तो इसका क्या सिनोनियम होगा? डिनाउंस तो मैंने आपको बता दिया, क्रिटिसाइज करना किसी को। या इसका एक सिनोनियम और लिख सकते हो, कंडम, CONDEMN, CONDEMN, कंडम करना किसी को। कंडम करना मतलब किसी की कड़ी निंदा करना, दिस इज कॉल्ड डिनाउंस। अब रिनाउंस, अनाउंस या प्रोनाउंस क्या होगा जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जय हिंद बेटा, जय हिंद। फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी। तो एब्जॉर का मतलब क्या होगा जल्दी से बताइए। एब्जॉर का हिंदी में बताता हूं आपको, त्यागना होता है, त्यागना। मान लो आपने कोई क्लेम किया है और आप उस क्लेम को छोड़ देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर। तो जल्दी से बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका, जल्दी फास्ट। क्या सिनोनियम लगाऊं? अरे ऑप्शन में लिखो कमेंट में, जल्दी फास्ट। बिल्कुल, तो बेटा इसका होता है कि कसम खा के त्याग देना, शपथ लेकर किसी चीज को छोड़ देना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर। हिंदी वाले लिख लो, कसम खा के या शपथ लेकर किसी चीज को छोड़ देना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बेटा रिनाउंस। ठीक है, हाँ, आंसर विल बी रिनाउंस। बाकी तो फिर सिंपल है, आसान है। अगले को, हाँ, प्रोनाउंस। बेटा प्रोनाउंस का एक मतलब होता है, ये वोकैबुलरी में आता है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर कोई लॉ या पॉलिसी को डिक्लेयर किया गया है तो उसे प्रोनाउंस कहेंगे, डिक्लेयर। हालांकि प्रोनाउंस जो होता है प्रोनाउंसिएशन भी होता है, यानी कि किसी चीज को बोलना, तो बोलना भी होता है, से समथिंग या स्पीक, से समथिंग या स्पीक समथिंग, इस चीज को बोलना, ये भी प्रोनाउंस ही होता है। लेकिन प्रोनाउंस का जो दूसरा मीनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आता है वो आता है डिक्लेयर समथिंग या डिक्लेयर अ लॉ, डिक्लेयर अ पॉलिसी, किसी लॉ या पॉलिसी को डिक्लेयर करना। इसका एक सिनोनियम मैंने आपको बताया था, आप सिनोनियम लिख सकते हो यहाँ पे, एडजुडिकेट, ADJUDICAT, एडजुडिकेट। तो एडजुडिकेट का भी मतलब यही होता है कि लॉ या पॉलिसी को डिक्लेयर करना। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, ठीक है। तो प्रोनाउंस का मतलब कोई लॉ या पॉलिसी को डिक्लेयर करना, तो आप लिख सकते हैं इसमें डिक्लेयर अ पॉलिसी या एडजुडिकेट करना, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल आसान है। डिक्लेयर अ लीगल थिंग, हाँ बेटा, राम राम गुरुजी, राम राम बेटा, राम राम। चलो एक बार, अरे लाइक तो कर दो, ये तुम्हारे ये अंगूठा भी नहीं लगाया जाता। एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया था अपने गुरु को, तुम वहां लगा भी नहीं सकते, कमबख्त, नालायक हो रहे हो सारे के सारे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो जल्दी से। जय हिंद बेटा, जय हिंद। चलो एक बार लिंक को शेयर कर दो जल्दी से और लाइक करो फटाफट इफ यू कैन। स्टिडफास्ट का क्या मतलब है, जल्दी से बताओ। स्टिडफास्ट का मतलब, स्टिडफास्ट का क्या मतलब है? फीबल तो होता है कमजोर, फीबल होता है बेटा कमजोर, दुबला पतला सा, इसको कह सकते हैं वीक। फीबल इज वीक, कमजोर, दुबला पतला सा। या इनफॉर्म, इनफॉर्म मेरे जैसा, मेरे जैसा दुबला पतला व्यक्ति कहलाता है फीबल, कमजोर, ठीक है। फेंट क्या हो जाएगा? फेंट हो जाएगा बेहोश, बेहोश होना। हिंदी वाले लिखते रहना बेटा, बेहोश होना। दिस एनडीए वाले, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप वाले, लिखते रहा करो, नहीं तो जूते मारूंगा तुम्हारे सर में। बेहोश होना, या कह सकते हैं गेट अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, टू गेट अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। दिस इज कॉल्ड फीबल, सॉरी फेंट, ठीक है। और फीबल का मतलब कमजोर हो जाना, इनफॉर्म। अच्छा, वेवरिंग क्या होता है? वेवरिंग होता है चेंजिंग, वेवरिंग होता है चेंजिंग। चेंजिंग का मतलब क्या है? CHANGING, चेंजिंग। चेंजिंग का मतलब है जिसके अपने ओपिनियंस बदलते रहे, कभी भी बदल जाए। या इसको लिख सकता हूं मैं, अच्छा इसके लिए यहां पर लिख दूं क्या वेवरिंग को? ये मैं यहां पे लिख देता हूं वेवरिंग को, लो यहां से उठा लो। मर्क्यूरियल, MERCURIAL, जैसे मरकरी नहीं होती, मरकरी का पारा कभी बदल जाता है, तो इसका मतलब मर्क्यूरियल टेम्परामेंट का जो व्यक्ति होता है या मर्क्यूरियल बिहेवियर होता है वो कभी भी बदल जाता है। तो वेवरिंग होता है जिसके ओपिनियन कभी भी बदल जाते हैं। तो ओपोजिट क्या, अच्छा सॉरी, तो स्टिडफास्ट क्या है फिर बेटा? स्टिडफास्ट का मतलब है, स्टिडफास्ट होता है लॉयल, जो अपनी बात पर अड़ा रहे। स्टिडफास्ट होता है लॉयल। या फर्म, FIRM, फर्म। This is called steadfast, जो अपनी बात पर अड़ा रहे, फॉर्म रहे, this is called steadfast। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर लगा रहे हो आप लोग? Staunch होता है सर, हाँ बिल्कुल, फॉर्म, फॉर्म लिख दिया मैंने, या लॉयल लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। हाँ, या ये भी लिख सकते हो रिजोल्यूट, रिजोल्यूट भी फॉर्म ही होता है। रिजोल्यूट का मतलब भी बेटा फॉर्म ही होता है। अगर कोई रिजोल्यूट है ओपिनियन में तो वो फॉर्म, अपनी बात पर अड़ा रहेगा। तो स्टॉन्च, स्टॉन्च भी यही होगा, लॉयल, ठीक है बच्चे। स्टॉन्च का यही मतलब होता है, लॉयल, ठीक है। क्लियर है सभी को यहां तक? आगे बढ़े, हाँ भाई आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर आने वाला है एंड द क्वेश्चन वी हैव इज, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए, एंटोनियम्स में अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है। पहले ये देख लो ये क्या लिखा है, एंटोनियम बताना है आपने। तो वर्ड वी हैव इज जियोपर्डाइज। व्हाट इज जियोपर्डाइज? क्या है जियोपर्डाइज का मतलब? फटाफट आंसर दो जल्दी से, फास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय जियोपर्डाइज? फास्ट जल्दी, जियोपर्डाइज क्या है जल्दी से फटाफट। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये वर्ब है, क्रिया है। जियोपर्डाइज करना मतलब किसी को किस में डालना। चलो भाई हिंदी वाले जल्दी से फटाफट कॉपी पेन खोल के बैठो, जल्दी से लिखो। खतरे में डालना, खतरा, है ऐसी बनेगा ना, खतरे में डालना, किसी को खतरे में डालना, दिस इज कॉल्ड जियोपर्डाइज। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव ने जो ये कोरोनिल बनाई है ये लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दे, इसीलिए सरकार ने कहा है कि अभी इसको आगे नहीं लाया जाएगा जब तक इसको कंप्लीटली चेक नहीं कर दिया जाए। तो जियोपर्डाइज का मतलब होता है पुट एट रिस्क, पुट एट रिस्क। या सिनोनियम में लिख लो इम्पैरिल, क्योंकि पैरिल तो खतरा होता है और इम्पैरिल वर्ब बन जाएगा, तो इम्पैरिल वर्ब का मतलब हो जाएगा किसी को खतरे में डालना, पुट एट रिस्क या पुट इन डेंजर, किसी को डेंजर में डालना या किसी को खतरे में डालना, दिस इज कॉल्ड जियोपार्डाइज। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या एंटोनियम लगाऊं, एंटोनियम, एंडेंजर का मतलब तो एंडेंजर स्पीसीज जो होने वाली होती हैं, जो विलुप्त होने वाली होती है, एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं, तो एंडेंजर का मतलब भी यही होता है किसी चीज को खतरे में डालना। तो इसे तो मैं क्या कह सकता हूं, इसे तो मैं सिनोनियम कह सकता हूं, लेकिन मुझे तो एंटोनियम चाहिए, तो एंटोनियम के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, सेव। ठीक है, तो डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई, कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनएप्ट। जल्दी से बताइए इनएप्ट, फास्ट जल्दी से। इनएप्ट का ऑपोजिट क्या होगा? अच्छा, इनएप्ट का एंटोनियम मैं बता दूंगा क्या होगा। पहले तो इनएप्ट जो होता है इसका मीनिंग बताते हैं। इनएप्ट को हिंदी वाले सुनो, जो किसी काम में निपुण ना हो। इनएप्ट इज अ पर्सन हु इज नॉट स्किल्ड इन एनी वर्क, वन हु इज, लिख लो भाई इंग्लिश वाले भी, वन हु इज नॉट स्किल्ड इन अ वर्क, जो किसी काम में स्किल्ड ना हो। तो आप यहां पे लिख सकते हो नॉट अडेप्ट, ADEPT। अब मैंने अडेप्ट क्यों लिखा, क्योंकि अडेप्ट तो किसी काम में निपुण होता है, स्किल्ड होता है, वो तो प्रोफिशिएंट होता है किसी काम में। तो फटाफट जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही लिखा है एक बच्चे ने, सर अनस्किल्ड, तो अनस्किल्ड वही होता है। मैं इसको क्लमजी भी लिख सकता हूं, क्योंकि क्लमजी जो होता है, अगर पर्सन क्लमजी है किसी काम को करने में तो बहुत ही गलत तरीके से करता है, स्किल्ड नहीं है, वो निपुण नहीं है, अपने काम में निपुण नहीं है। तो एक बच्चे ने लिखा है नॉट एडेप्ट और एक ने लिखा है नॉट प्रोफिशिएंट। बात बिल्कुल सही है आप लोगों की। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट जल्दी से, तो इसका ऑपोजिट बताओ क्या होगा। अब मेरी बात सुन लो, इसका जो सिनोनियम है इनएफिशिएंट, ये लो इसको लिख लो जल्दी से। अरे जो बुक वाले हैं वो जल्दी से फटाफट लेके बैठो, जल्दी से उस पर लिखो। इनएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, इसका सिनोनियम होगा बच्चे। तो ऑपोजिट क्या होगा, जो किसी काम में क्या है, एडेप्ट, तो मैं लो यहां पे लिख देता हूं एडेप्ट। ठीक है, तो ये डी इसका आंसर होगा, एफिशिएंट, जो किसी काम को करने में स्किल्ड हो। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार जरा ये अंगूठा तो लगा करो यार वहां पे, कम से कम गुरु दक्षिणा में इतना तो कर दो क्या भाई नालायको। चलो, इम्परमिएबल, क्या आपने पढ़ा है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी होती है? बताओ इम्परमिएबल का क्या मतलब होता है। अगर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है तो इस बात से मतलब है, जल्दी से बताओ। इस बात का मतलब है कि उसमें जो है पानी जो है वो पास नहीं हो सकता, तो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अगर किसी चीज के थ्रू कोई चीज होकर नहीं गुजर सकती तो वो इम्परमिएबल है, तो नॉट अलाउड इसका सिनोनियम। अरे ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चलो ये आ गया नॉट अलाउड, सिनोनियम आ गया, ये लीजिए नॉट अलाउड। तो ऑपोजिट तो अब गधा भी बता देगा इसको, तो बाहर खड़े हुए गधे से भी पूछ लो, चाहे है ना चावला चौक के बाहर जो गधे खड़े रहते हैं उनसे पूछ लो, वो भी बता देंगे कि सर अलाउड इसका आंसर हो जाएगा। नॉट अलाउड ऑपोजिट हो जाएगा अलाउड। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, आगे समझ में? या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो वाटरप्रूफ, अगर आप चाहें ना बेटा तो आप इसको ये भी कह सकते हो वाटरप्रूफ, क्योंकि वाटरप्रूफ का प्रूफ, वाटरप्रूफ का क्या मतलब है कि भाई उससे पानी जो है वो पास ही नहीं हो सकता, कोई चीज पास ही नहीं हो सकती, और अगर पास नहीं हो सकती तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पास होने के लिए अलाउड। ठीक है, और रेजिस्टेंट क्या होता है, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक कैसे बनेगा भाई, प्रतिरोधक, समझ में आ रहा है प्रतिरोधक क्या होता है? अब ये मत कहना सर ये कौन सी वाली हिंदी है। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का मतलब होता है कोई चीज जो रेसिस्ट कर सकती है, किसी चीज को रोक सकती है, किसी चीज से लड़ सकती है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंट। आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, जो लाइट में रेजिस्टेंस नहीं आता है, आपने फिजिक्स में चेक किया होगा। तो अगर आपकी बॉडी में रेजिस्टेंट है, या इफ योर बॉडी इज रेजिस्टेंट, तो आपको, आपके पास इम्यूनिटी है और आप बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया सभी को, प्रतिरोधक। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, और क्वेश्चन क्या है बेटा, 9, डिसल्ट्री फास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डिसल्ट्री? डिसल्ट्री का मतलब क्या है? इफ योर एक्शन इज डिसल्ट्री, व्हाट डज इट मीन? क्या है इस बात का मतलब, जल्दी फास्ट। पोरस क्या होता है? पोरस तो बेटा परमिएबल कह सकते हो, कि पोरस का मतलब है जिससे कोई पार हो सके, दिस इज कॉल्ड पोरस। चलिए, तो डिसल्ट्री का मतलब होता है एमलेस, डिसल्ट्री का मतलब होता है एमलेस, जिसमें कोई एम ना हो, कोई ऑर्डर ना हो, लैकिंग ऑर्डर, ठीक है। तो क्या करें, इसका सिनोनियम बताओ, और सिनोनियम एमलेस हो गया, और इसका सिनोनियम क्या हो सकता है कि जिसमें ऑर्डर ना हो, लैकिंग ऑर्डर, ये भी सिनोनियम हो जाएगा। चलिए भाई साहब, ये सिनोनियम हो गया। और बताइए जल्दी से फटाफट, अगर मैं बात करूं तो ये भी तो एक तरीके से बेटा इसका क्या ही है, ये भी, क्योंकि रैंडमली अगर चीज होती है तो वो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, तो ये दोनों तो सिनोनियम हो गए इसके। तो ओपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, ओपोजिट हो जाएगा जिसमें क्या हो, कोई एम हो, कोई तरीका हो, ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए एक सिनोनियम लिख लो, HAPHAZARD, हैपहैज़ार्ड। हैपहैज़ार्ड का भी मतलब ये होता है, इफ यू डू समथिंग हैपहैज़ार्डली इट मींस यू डू इट हाउ, एमलेसली। तो हैपहैज़ार्ड जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ये आता है एग्जाम में, हैपहैज़ार्ड। हैपहैज़ार्ड का मतलब किसी चीज को बिना किसी एम के, बिना किसी तरीके के कर देना, ठीक है, विदाउट एनी लॉजिक या विदाउट एनी मेथड। तो ओपोजिट क्या होगा, ओपोजिट हो जाएगा प्रॉपर्ली किसी काम को करना, मेथड के साथ करना, मैथमेटिकल। तो बी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ओपोजिट में। क्लियर है सभी को? चलिए चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10, मैलोड्रस। इस क्वेश्चन को याद करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता दूं। ये जो प्रीफिक्स है ना भाई, किसी भी शब्द का स्टार्टिंग लेटर्स जो है, स्टार्टिंग बिगिनिंग लेटर्स ऑफ एनी वर्ड आर कॉल्ड प्रीफिक्स, PREFIX। तो किसी भी वर्ड के जो स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। और मैल, ये जो वर्ड मैल है ना, ये बेटा कहीं भी लग जाए ना तो समझ लेना कि कोई गलत चीज के बारे में वर्ड बात कर रहा है। जैसे मैल एड्रॉइड, एड्रॉइड क्या होता है, निपुण। देखो वर्ड कैसे याद हो जाएगा, एक वर्ड बना के बताता हूं, MALADROID, एड्रॉइड। अब देखो एड्रॉइड क्या होता है बच्चे, बोलो एड्रॉइड क्या होता है? एड्रॉइड होता है निपुण, ठीक है। और मैल एड्रॉइड, अब ये वर्ड पूरा बन गया मैल एड्रॉइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनएप्ट, INEPT। लो वर्ड तो ऐसे ही बन जाते हैं, आसान है, बिल्कुल सिंपल। तो मैल वर्ड जहां भी लगेगा वो किसी गलत चीज के, इट विल टॉक अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट, ये किसी अनप्लीजेंट चीज के बारे में बात करेगा। जैसे यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ मैल फंक्शन, मैल एड्रॉइड, ठीक है, मैलीवोलेंट। जैसे बेनिवोलेंट क्या होता है, बेनिवोलेंट होता है परोपकारी, हेल्पफुल, और मैलीवोलेंट जो होता है वो उसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में सभी को? तो मैलड्रेस, अब ऑर्डर जो होता है ये होता क्या होता है, स्मेल, सॉरी फ्रेग्रेंस, खुशबू। तो मैलोड्रस क्या हो जाएगा, बैड स्मेल। तो क्या करूं जल्दी से बताओ फटाफट। अच्छा, स्टिंकिंग क्या होता है, स्टिंकिंग बताओ पहले, इसमें स्टिंकिंग क्या होता है जल्दी फास्ट, स्टिंकिंग का बताओ। स्टिंकिंग क्या होता है, बदबूदार, ठीक है, स्टिंकिंग होता है बदबूदार। तो स्टिंकिंग इसका क्या हो सकता है बेटा, सिनोनियम हो जाएगा। आगे समझ में? स्टिंकिंग, फैटेड भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। तो ऑपोजिट क्या होगा, जिसमें खुशबू आए, ये फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस। किसमें, अगर आपके उसमें ऑप्शन नहीं है बेटा तो यही लिख लो, एरोमेटिक है, फ्रेग्रेंस, अच्छा। अब मेरी बात सुनो, आपकी बुक में जो है वो ऑप्शन गलत बने हुए हैं, क्योंकि सही ऑप्शन करेक्ट करके मैंने यहां पे लिख दिए हैं, इसीलिए ये ऑप्शन लिख लो काट के चारों ऑप्शन, ठीक है। ऑफुल भी कैसा होता है, ऑफुल भी अगर कोई चीज ऑफुल है तो वो अनप्लीजेंट है, तो अनप्लीजेंट, ये भी अनप्लीजेंट है, लिख लो अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। इफ समथिंग इज ऑफुल इट मींस इट इज वेरी अनप्लीजेंट। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये तो इसके लगभग सारे क्या हो गए, सिनोनियम्स हो गए। तो ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक कह दो या फ्रेग्रेंट कह दो, एंस लगाओगे तो नाउन हो जाएगा, क्योंकि ANC जहां लगता है वो नाउन हो जाएगा। और आप इसका एडजेक्टिव बनाना चाहते हो, FRAGRANT, फ्रेग्रेंट, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। बात एक ही है, दोनों शब्द का मीनिंग एक ही है, एक ANT नाउन है और जहां पर ANC लगा है ये आपका क्या है, सॉरी ANC वाला क्या है, नाउन, और ANT वाला एडजेक्टिव। क्लियर हो गया सभी को? तो प्लीजेंट होगा। अब प्लीजेंट तो उसमें था ही नहीं ना, बुक में नहीं था, तो यहां से एरोमेटिक हो जाएगा या प्लीजेंट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों सभी को? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का 11 नंबर क्वेश्चन है और ये है आपका ईडियम्स। लेकिन आज आपको फायदा ये है ईडियम्स में, बेनिफिट ये रहेगा ईडियम्स में कि आज आपको जो ईडियम्स मिलेंगे ये क्वेश्चन के सेंटेंस में है, तो पढ़ के इजिली मीनिंग निकाल सकते हो। एक बार लाइक कर दो बेटा जल्दी से, अगर आप लाइक कर सकते हो तो। ओहो, थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, चलो फास्ट जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी, क्या लिखा है? द यंगर ब्रदर प्लेड सेकंड फिडल। तो आपको बताना है, मैं इधर फर्स्ट फिडल लिख देता हूं, तब तक आपको फर्स्ट फिडल समझा देता हूं। जिस बच्चों को फर्स्ट फिडल नहीं आता, फिर सेकंड फिडल तो अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट फिडल रोल। फर्स्ट फिडल रोल का क्या मतलब है? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। एक मूवी बनी जिसमें अक्षय कुमार जो है वो हीरो हैं, ठीक है, लीडिंग रोल में अक्षय कुमार है, तो वो कैसा रोल प्ले करेंगे? फर्स्ट फिडल। अब उनके नीचे कौन आ गया? दूसरा एक्टर आ गया, कोई राजपाल यादव आ गए, तो वो कैसा रोल प्ले कर रहे हैं? सेकंड फिडल रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो सुपीरियर रोल प्ले करता है, लिख लो जल्दी से फटाफट, फर्स्ट फिडल रोल का मतलब होता है सुपीरियर। जो सुपीरियर रोल, जैसे मोदी जी जो हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट में कैसा रोल प्ले कर रहे हैं? सुपीरियर रोल प्ले कर रहे हैं। आगे समझ में? सेकंड फिडल कैसा होगा? इन्फीरियर, सुपीरियर का उल्टा इन्फीरियर या सबऑर्डिनेट। लो ये लिख लो सिनोनियम, SUBORDINATE, सबऑर्डिनेट। अगर सबऑर्डिनेट रोल कोई प्ले कर रहा है तो बेटा वो रोल कैसा होगा? वो सेकेंडरी रोल होगा। तो सेकेंडरी रोल के लिए, हाँ साइड एक्टर, सेकेंडरी रोल के लिए क्या आंसर हो जाएगा? वॉज ट्रीटेड एज लेस इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, लेस इंपॉर्टेंट। तो डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ, सुपीरियर रोल इज कॉल्ड फर्स्ट फिडल। हाँ बेटा, अरे रोल की स्पेलिंग यार ROLE होगी। क्या तुम स्प्रिंग रोल ROLL, ROL रोल समझ रहे हो? क्या आंसर रोल होता है? वो चाउमीन मोमो वाला स्प्रिंग रोल। यहाँ रोल की स्पेलिंग है ROLE। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द रिबेल्स होल्ड आउट, सेकेंड फॉर्म हो गई हेल्ड आउट, फॉर अबाउट अ मंथ। यानी कि जो रिबेल्स हैं, जो विद्रोही हैं, वो केवल एक महीने तक टिक पाए। जल्दी से बताइए, मुसीबत के समय में सरवाइव कर पाना, दिस इज कॉल्ड होल्ड आउट। इसका प्रेजेंट फॉर्म लिख देता हूं होल्ड आउट, पास्ट में हेल्ड आउट हो गया है। तो सरवाइव इन डिफिकल्टी, सरवाइव, ये मेरे वाला मीनिंग लिख लो, सरवाइव इन डिफिकल्टी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो उसने इस हिसाब से दिया था, सरवाइव इन डिफिकल्टी। मुसीबत के समय में सरवाइव करना, दिस इज कॉल्ड होल्ड आउट, सरवाइव इन डिफिकल्टी। अरे लाइक तो कर दो कम से कम, सरवाइव इन डिफिकल्टी। चलिए फास्ट, तो क्या आंसर होगा बोलो? और रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस का मतलब है सरवाइव करना, किसी से लड़ना, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो फटाफट। माय सिस्टर हैड टू मेक अनदर केक। मेरी सिस्टर ने मान लो बर्थडे के लिए केक बनाया, अब ये केक जो है ये खराब हो गया, तो उसे ये केक स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। अगर उसे, लो ये भी लगा देता हूं इस पे, अगर उसे केक स्क्रैच से बनाना पड़ेगा तो इसका क्या मतलब है? किसी चीज को स्क्रैच से स्टार्ट करना। कैसा बना भाई केक जल्दी से बताओ, कमेंट में लिख के फटाफट, कमेंट में आंसर दो, तुम केक नहीं बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। अगर आप कोई चीज स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो आपने कहा सर मुझे तो मैथ्स नहीं आती, आई हैव टू स्टार्ट इट विद स्क्रैच, मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब आपको किसी चीज को कहां से स्टार्ट करना होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग। किसी चीज को शुरुआत से करना होता है, उस काम को शुरुआत से करना होता है। अगर कोई चीज आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो तो इसका मतलब आप उसको बिगिनिंग से स्टार्ट करते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। क्या क्वेश्चन है? फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो जल्दी से। श्याम इज एज कूल एज कुकुम्बर। पहले तो मुझे कमेंट में लिख के इधर बताओ ये कुकुम्बर क्या होता है। व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग क्राइसिस, जब मुसीबत को झेलने की बात होती है तो श्याम जो है वो कुकुम्बर की तरह क्या होता है, कूल होता है, ठंडा। जैसे ककम्बर ठंडा होता है ना, तो ऐसे ही शाम जो है वो ठंडा होता है। तो एज कूल एज ककम्बर का मतलब क्या होता है, जैसे, हाँ बिल्कुल, जैसे मोदी जी मुसीबत के समय में भी शांत रहते हैं, लाइक MS धोनी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी फास्ट जल्दी आंसर दो। ओके ओके ओके, अबे वो नालायक, 2 बार लाइक नहीं करना है, वो लाइक हट जाता है वहां से। लाइक 1 बार करके क्या करो तुम, कहीं बहुत सारे लाइक करने के चक्कर में लाइक को हटा तो नहीं देते। अरे यार क्या करूं मैं तुम्हारा, हे भगवान। तो इसका जो आंसर होगा काम, कूल एंड काम, दैट इज कॉल्ड। आगे समझ में, दिस इज, हाँ कुकुम्बर जो होता है वो खीरा होता है, खीरे की तरह ठंडा होना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द बेल साउंडेड श्रद्धा डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। जैसे ही घंटी बजी तो श्रद्धा ने कॉल इट अ डे करने का डिसाइड किया। हाँ बिल्कुल, जूता मारना पड़ेगा इसके तो भाई, मारो भाई मारो इसको, मारो बिल्कुल मारो इसको। अबे लाइक 1 बार करने से होता है, तुम दोबारा दबा दोगे तो वो हट जाएगा वहां से। कैसे तुम मेरे ऑफिसर बनोगे यार, बहुत अच्छा शाबाश। तो कॉल इट अ डे का मतलब सुनो, मान लो मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, या मैं सुबह से मीटिंग में हूं, या मैं काम कर रहा हूं, तो अब शाम के 6 बज गए, मैंने देखा यार 6 बज गए, लेट्स कॉल इट अ डे। इफ यू कॉल इट अ डे इट मींस आप उस काम को खत्म कर देते हो, फिनिश करते हो और निकल जाते हो घूमने के लिए। तो चलिए बताइए, कॉल इट अ डे का मतलब है स्टॉप डूइंग, जिस काम को भी आप कर रहे हैं उस काम को करते करते बंद कर देना, दिस इज कॉल्ड कॉल इट अ डे। हाँ तभी लाइक नहीं बढ़ते, इसीलिए लाइक नहीं बढ़ते हैं क्योंकि कुछ लोग जो हैं लाइक बढ़ाने के चक्कर में बार बार दबाते रहते हैं। नेक्स्ट, शाबाश मेरे जवानों शाबाश। चलिए फटाफट, द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट regarded as being the most experimental group in the arts is called what? जल्दी, अच्छा let's call it a day सीरियस में आया था, ओके चलिए बताइए फटाफट जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पहले तो मैं इसमें स्पेलिंग गलत है, ये ग्रेड नहीं है बेटा, दिस इज गार्ड, GARD। बुक में अपनी स्पेलिंग ठीक कर लो, दिस इज एवेंट गार्ड। जल्दी फास्ट जल्दी जल्दी जल्दी, एवेंगार्ड क्या है ये, एवेंगार्ड, टी साइलेंट रहेगा, एवेंगार्ड। जल्दी फास्ट जल्दी आंसर बोलो क्या होगा। अच्छा इसके बाकी एक वर्ड है, इसमें मैं इसका मीनिंग बता देता हूं, नर्ड। इसका क्या मतलब होता है, नर्ड का मतलब क्या होता है, नर्ड होता है बुकिश, किताबी कीड़ा। लिख लो जल्दी से, जिसको सोशल नॉलेज नहीं होती है, जिसको सोशल नॉलेज नहीं होती है, बस किताबों में लगा रहता है, किताबों में ही हमेशा 24 घंटे, सोशल कोई नॉलेज नहीं है। कुछ भी पूछो इसको कि भाई ये कैसे होगा वो कैसे होगा, उसे कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ किताबों की नॉलेज होती है, बुकिश होता है, दैट इज कॉल्ड नर्ड। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया, बुकिश, नॉट सोशली स्किल्ड। आप लिख सकते हो इसको या तो बुकिश या नॉट सोशली स्किल्ड, जो सोशली स्किल्ड ना हो। तो ऑप्शन के हिसाब से बता। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट क्या होता है हिंदी में, हिंदी वाले पहले हिंदी में बताओ, मूर्ति भंजक। क्या बोला, मूर्ति भंजक। इंग्लिश में वन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेजेस। लिखो फटाफट जल्दी से, वन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेजेस और इंस्टीट्यूशंस, वन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेजेस और इंस्टीट्यूशंस। लिखो हिंदी वाले, मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक। और इंग्लिश में लिखो, वन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेजेस, धार्मिक मूर्तियां, और इंस्टीट्यूशंस, और मंदिर मस्जिद जो भी है। इसका एग्जाम्पल दोगे इतिहास में, इतिहास में कौन सा ऐसा राजा था जो आइकोनोक्लास्ट कहलाया गया, मूर्तियां जिसने तोड़वाई। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन टेक्निकल सब्जेक्ट। हाँ नर्ड तो हो जाएगा बुकिश नॉलेज वाला, ठीक है, या आप कह सकते हो बुकवॉर्म, बात तो वही है बेटा, बुकवॉर्म किताबी कीड़ा, बुक किताब और वॉर्म WORM वॉर्म हो जाएगा कीड़ा, तो बुकवॉर्म बुकिश नॉलेज वाला यही तो हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट आप बताओ कौन सा राजा था, कौन था जिसने मूर्तियां तोड़वाई थी इतिहास में। चलो तुम्हारी हिस्ट्री चेक कर लेता हूं इस क्वेश्चन से, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं इसके बाद हम। मोहम्मद गजनवी, शाबाश। तो मोहम्मद गजनवी को आइकॉनोक्लास्ट कहा गया था, मूर्ति भंजक। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज एवंगार्ड, एवंगार्ड। ये ग्रेड नहीं है, गार्ड है ये, दिस इज एवंगार्ड। आगे समझ में, एवंगार्ड ए इसका आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी या महमूद गोरी, भाई ये जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन अब मेरे पीछे है, इस क्वेश्चन को जिसने भी नहीं बताया समझ लो वो इस दुनिया में उसका जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशान हम इस क्वेश्चन से ही हैं। इस क्वेश्चन ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। तो मुझे इसका आंसर सभी बच्चों से चाहिए, गलत कर दिया तो इसका मतलब तुम जी नहीं रहे हो, तुम इस दुनिया में हो ही नहीं, एक तरीके से मुर्दे की तरह हो। आप पढ़ के क्वेश्चन बताना, फटाफट आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट जल्दी। मैं सच बता रहा हूं, अगर गलत इसका आंसर दिया ना तो मैं सच में मैं कैमरा फोड़ दूंगा, जूता मार दूंगा तुम्हारे सर में। इसका आंसर अगर तुमने गलत दे दिया ना तो कसम से मुझे बहुत हर्ट होगा, और मैं पूरी दुनिया से कह जाऊंगा कि भाई मैं मरने से पहले, फांसी लगाने से पहले मैं कह जाऊंगा कि ये मेरे स्टूडेंट थे जिस पे इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। कम वक्त तुम्हें इसका आंसर नहीं पता यार, हद हो गई बिल्कुल। जल्दी फटाफट आंसर दो इसका। कन्फाइनमेंट का मतलब है बंदी बना के रखना, बंदी का मतलब सॉरी है किसी को एक जगह पे रोक के रखना। कन्फाइन, कन्फाइन तो पता है, किसी को कैद करके रखना। ऑफ, कन्फाइन टू वन प्लेस टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जिससे इन्फेक्शन ना फैल जाए। भैया दूर रहे मेरे से, कहीं मुझे ना हो जाए तेरे से, आजकल चल तो रहा है। जल्दी बताओ फटाफट। अरे नहीं बोलते क्या, क्या कर रहे हैं लोगों को, जिसको कोरोना हो रहा है उससे दूसरे से कोरोना ना, इन्फेक्शन ना फैल जाए तो उसे क्या करते हैं, जल्दी बता दो आंसर। इसका तो बड़ा सिंपल है यार, हद हो गई। अगर कसम से इसका भी आंसर तुमने गलत कर दिया ना तो बस मैं क्या ही बोलूं इसको। अच्छा, सेक्लूजन कोई बच्चा ना लगाए, क्योंकि सेक्लूजन को तो हिंदी में आप वर्ड पूछते हो ना, तन्हाई, तो सेक्लूजन के लिए हिंदी में परफेक्ट वर्ड है तन्हाई। तन्हाई के लिए वर्ड होता है सेक्लूजन, ठीक है, या लोनली। तन्हाई में जीना, अकेला जीना, दिस इज कॉल्ड सेक्लूजन। अब कुछ लोग कहेंगे सर आइसोलेशन, बेटा आइसोलेशन का मतलब होता है आइसोलेट मतलब अलग होना, लेकिन इन्फेक्शन के डर से नहीं होता। इसीलिए कहता हूं वन वर्ड में स्पेशल नॉलेज होनी जरूरी है। आइसोलेट का मतलब सिनोनियम तो है कि आइसोलेट मतलब अलग हो रहे हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन के डर से नहीं होता है। इन्फेक्शन के डर से जब किसी को बंदी यानी कि सॉरी कैद में रखा जाता है, अलग रखा जाता है ताकि इन्फेक्शन ना फैल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। इस वर्ड को कहेंगे क्वारंटाइन। तुम डूब मरो, मेरा जूता कहां है, सर में मारूंगा तुम्हारे अभी निकाल के, नालायक। सुन सुन के इस वर्ड को कान पक गए हमारे, क्वारंटाइन कर दो, क्वारंटाइन कर दिया गया, क्वारंटाइन। अरे इन्फेक्शन के डर से क्वारंटाइन किया जाता है भाई साहब, ये इसके लिए स्पेशल वर्ड है। क्या करूं मैं तुम्हारा यार, भगवान बचाएगा। अच्छा, रिक्लेमेशन क्या होता है, इसको सुन लो ध्यान से, जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो लिख लो। रिक्लेमेशन होता है क्लेम बैक, क्लेम, क्लेम बैक। मान लो तुमने किसी चीज पर क्लेम किया और वो क्लेम तुमने वापस ले लिया, तो क्लेम, रिक्लेम। तो रिक्लेम का मतलब है अपना क्लेम वापस ले देना, रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन होता है क्लेम को वापस ले लेना, दिस इज कॉल्ड रिक्लेमेशन। हाँ, जैसे सतपाल महाराज जी को कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था उन्हें, क्वारंटाइन, उन्हें सेक्लूजन, तन्हाई में थोड़ी लेके चले गए थे उनको। क्या यार तुम लोग भी, ये तो पढ़ लिया करो, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो उसे क्या कहेंगे। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो पॉलिटिक्स में कैसे हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अब बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। हम तो लिख मत देना, ये तो सन्यासी होता है, सन्यासी, 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 ठीक है भाई साहब, ये तो सन्यासी हो जाएगा। अगर ये सन्यासी है तो इसे हम रेक्लूज, सन्यासी। पामिस्ट कौन, तो कौन होता है, पाम रीडर, पाम रीडर। पाम क्या होती है, हथेली, हथेली को पढ़ के नहीं बताता कि ये देख तेरी लाइन इधर जा रही है, यहाँ तेरे पे इतना पैसा आएगा, यहाँ तेरी शादी होगी, यहाँ तेरी जॉब लगेगी, ऐसे देख के जो पाम रीडिंग करते हैं, दीज आर कॉल्ड पामिस्ट। तो ये तो नहीं होगा। मर्सेनरी कौन होता है? मनी माइंडेड। मनी माइंडेड, पैसे के लिए जो कुछ भी कर जाएगा, कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मनी माइंडेड। मनी माइंडेड। तो इसका आंसर क्या होगा? वेटरन। अच्छा, इसका एक सिनोनियम भी लिख दूं, ये पेपर में वोकैबुलरी में आता है कि अगर हम किसी को एक्सपीरियंस के लिए वर्ड यूज करें तो हम ये भी कह सकते हैं सीजन्ड। सीजन्ड, सीजन्ड जो होता है बेटा, इफ अ पर्सन इज सीजन्ड इट मींस द पर्सन इज वेरी एक्सपीरियंस। वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो सीजन्ड है, ठीक है। तो वेटरन जो होगा वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, या यू कैन से सीजन्ड। गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड। अगला क्वेश्चन, अ बैरियर अक्रॉस अ रोड और स्ट्रीट। ये तो बड़ा ही आसान है यार। रोड पे जाते हो तुम, जब कोचिंग आते थे या कॉलेज आते थे तो आपने सर्वे चौक पे नहीं देखा? सर्वे चौक पे क्या लगा के रखते थे कई बार कि भाई इधर से नहीं जाओ, इधर से निकल के जाओ। तो वो क्या होता था? वो जो बैरियर लगा होता था वो क्या होता था? जल्दी से बताओ, जल्दी फास्ट। और रोड की बात कर रहा है, कभी तुम फेंस आंसर दे दो, नहीं तो जूता मारूंगा सर मैं अभी। फेंस जो होती है वो क्या होती है? वो वायरिंग होती है। तो वायरिंग थोड़ी होती है वहां पे रोड पे, वो रोड पे क्या लगा रहता है? बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कभी बैरिकेड की जगह फेंस ही बोल रहे हो कि फेंस भी इसी काम आता है, लेकिन वो फेंस काम कहीं और आता है, रोड पे काम नहीं आता है वो। तो चलिए, बैरिकेड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 20, ये बताओ जल्दी से, मुझे पता है इसमें 80% गलत करने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर। वन गिविंग अप हिज फेथ, वन गिविंग अप हिज फेथ, जो अपने धर्म को त्याग देता है, अपनी बिलीफ्स को त्याग देता है, BELIEFS, उसे क्या कहेंगे? जैसे इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, नहीं तो तुम गलत करते रहोगे। जल्दी फास्ट, जल्दी 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 फास्ट आंसर। एथिस्ट। यार क्या करूं मैं तुम्हारा। एथिस्ट नास्तिक होता है यार, नास्तिक। इंग्लिश में कहेंगे डज नॉट रखता, उसे हम एथिस्ट कहते हैं। ये आंसर कट कर दो, ये नहीं होगा। और बताओ जल्दी से फटाफट क्या होगा। टर्नकोट होता है जो पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी में चला जाए, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी टर्नकोट कहते हैं। जैसे सिद्धू पाजी, सिद्धू साहब, दल बदलू, दल बदलने वाला कहलाता है टर्नकोट, ठीक है। सर साउंड कट हो रही है, साउंड कैसे कट हो रही है बेटा? साउंड। तो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो बेटा इसका आंसर होगा रेनेगेड। रेनेगेड इसका आंसर होगा। अब तुम्हें मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि तुम कभी नहीं भूल सकते इसको। रेनेगेड जो थे ना, ये एक व्यक्ति था बहुत समय पहले, और ये ना क्रिश्चियंस था। इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं। ये रेनेगेड नाम का एक व्यक्ति था, और अब समझ जाना कि ये फेथ को गिव अप करने का मतलब या बिलीव्स को, अपने प्रिंसिपल्स को त्यागने का मतलब क्या है, वो सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेनेगेड जो था एक क्रिश्चियन था। रेनेगेड जो व्यक्ति था वो एक क्रिश्चियन था। उसने ये डिसाइड किया था कि वो क्रिश्चियन को छोड़ के कहां चला जाएगा, वो मुस्लिम बन जाएगा। तो क्रिश्चियन से मुस्लिम बना। वो क्या बना? क्रिश्चियन से वो मुस्लिम बना, ठीक है। तो धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म अपना लिया था उसने, या कोई अपने बिलीव्स को त्याग के दूसरे बिलीव्स को अपना ले, सेट ऑफ बिलीव्स, उसे कहते हैं रेनेगेड। तो बी बेटा इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो बी होगा। आगे समझ में क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रेनेगेड बेटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्पेलिंग बतानी है। गेट रेडी फॉर द कंपटीशन नाउ। लास्ट 10 क्वेश्चंस वी हैव ऑन द स्क्रीन, लेकिन आज स्पेलिंग है तुम्हें परेशान करने वाली है। आज थोड़ा सा नए तरीके से स्पेलिंग आ रही है, नए ट्रिक्स के साथ। अभी तक क्या आता था कि आपको 4 सही और 3 गलत, 1 सही ढूंढनी होती थी। अब देखते हैं क्या होने वाला है। फटाफट जल्दी से तैयार हो जाइए। लेट्स स्टार्ट। स्पेलिंग बताना है तुम्हें। इसमें से सही कौन सी है? 3 गलत हैं, तीन गलत हैं, सही कौन सी है फटाफट जल्दी से बताइए। तीन इसमें गलत हैं, एक सही है, जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी फास्ट। तीन स्पेलिंग इसमें से गलत हैं, सही कौन सी है ये बताना है आपको। तीन स्पेलिंग गलत हैं, एक सही है। भाई सैटेलाइट की में एक टी गलत आ गया, यहां पे डबल एल आना था तो ये तो गलत हो गई। टैरिफ में गलत हो गया, एक आर आना था, डबल एफ आना था, ये भी गलत हो गया। तो सही क्या भाई, ब्लिसफुल में एक एल आता है, मैं आपको बता दूं पहले, ब्लिसफुल में एक एल आता है तो इसका आंसर जो होगा गोरिल्ला। 20 का 21 का आंसर जो होगा बी, बी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जूमॉर्फिज्म, जल्दी फास्ट। जूमॉर्फिज्म तो जू के लिए जेड डबल ओ होना जरूरी है और वो सभी में है, जेड डबल ओ तो सभी में है। अब मॉर्फिज्म बताना आपको, स्पेलिंग ऑफ मॉर्फिज्म, जू मॉर्फिज्म। इसको समझने के लिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, ऐसे समझ लो जैसे मीनिंग के लिए, क्योंकि मीनिंग भी जरूरी है। अरे क्या हो गया भाई, चलिए। माय ब्रदर ईट्स लाइक अ हॉर्स। जब किसी इंसान को एनिमल की तरह, ब्रदर को हॉर्स की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, जब किसी इंसान को एनिमल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको क्या कहते हैं, उसे जूमॉर्फिज्म कहते हैं। When animals are described as human beings, fast, जल्दी जल्दी। तो कह नहीं देते कि ये तो मेरा भाई गधे की तरह खाता है, घोड़े की तरह, तो उसे कहते हैं zoomorphism। तो MORPHISM, तो इसकी सही स्पेलिंग जो होगी 22 की क्या होगी, A इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से तीन गलत है एक सही है, तीन गलत है एक सही है। ट्रेसपास की स्पेलिंग सही है क्या, जल्दी फास्ट। फॉरेनर ज्वेलरी वेरीगेटेड, तीन गलत है एक सही है, जल्दी फास्ट। वेरीगेटेड की स्पेलिंग में VARI आएगा बाद में, तो RI तो है नहीं तो वेरीगेटेड गलत हो गया। ट्रेसपास में डबल एस आना था, ये भी गलत हो गया। फॉरेनर में तो जीत का तो है ही नहीं और O का मतलब नहीं है, तो ज्वेलरी की स्पेलिंग सही है, C को लॉक कर दिया जाए। C इज द फाइनल आंसर, ज्वेलरी की स्पेलिंग सही है, डबल एल आता है ना उसमें, ज्वेलरी की स्पेलिंग सही है। अगला क्वेश्चन, तीन गलत हैं और एक सही है, जल्दी से बताओ फटाफट। तीन गलत हैं और एक सही है, नहीं सॉरी, तीन सही हैं, 3 करेक्ट 1 रॉन्ग। तो तुम्हें बेटा इस बार रॉन्ग ढूंढनी है। तीन सही हैं एक गलत है, गलत वाली ढूंढो जल्दी से फास्ट। स्पेलिंग ऑफ टेम्पलेट, TEMPLATE सही है। वाइबल VIABLE सही है। ट्रांसपेरेंट TRANSPARENT सही है। ओबीडियंट की गलत है क्योंकि DIENT होगा यहाँ पे। 24 का आंसर हो जाएगा डॉग, ओबीडियंट की में D आ जाएगा, D स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट अगला लास्ट, अरे आज तो मजा आ गया, आज सारी स्पेलिंग अलग अलग तरीके से दी हुई है। अब इसमें क्या करना है सुन लो, इसमें तुम्हें ढूंढनी है सही वाली, सॉरी गलत वाली स्पेलिंग। 3 रॉन्ग तो ढूंढ, 3 राइट 1 रॉन्ग। चलो जल्दी से रॉन्ग वाली ढूंढनी है तुम्हें। तीन सही हैं, गलत वाली ढूंढनी है, हाँ रॉन्ग वाली ढूंढनी है, जल्दी रॉन्ग वाली ढूंढनी है फटाफट जल्दी से बताओ। कॉन्टिन्यूस सही है, डेस्टिनेशन की सही है, की सही है। कंटेंट में E आएगा, A नहीं आएगा, तो A इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26, शी स्पीशीज, उसको डाउट है, नारायण की इंटेंशन पर उसे संदेह है, तो सस्पिशियस के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा। सस्पिशियस के साथ अगर आप किसी चीज को लेकर डाउट, के साथ जो ऑन यूज नहीं होते हैं, कभी ऑन लगा दो तो फाइनल आंसर है डी को लॉक कर दिया जाए। डी इज द फाइनल आंसर। और कमेंट में ना मुझे ये भी लिख के बताते रहना कि जो तुम वीडियो चल रही है उसमें बैंकिंग का लेवल सही है या कुछ और है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है। बिल्कुल ग्रामर वाली क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मुझे बताते रहना। उसके जो मैनर्स हैं वो उस रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से बताओ। यहां आपको रिप्रेजेंट के लिए वर्ड चाहिए, रिप्रेजेंट, REPRESENT, रिप्रेजेंट के लिए आपको क्या चाहिए, फ्रेजल वर्ब चाहिए। उसके मैनर्स, आपका व्यवहार आपको रिप्रेजेंट करता है। साउंड तो आ रही है यार, अच्छा आवाज कट हो रही है, चलो आवाज के लिए मैं ये लगा देता हूं इसमें, ये इसमें बैटरी खत्म हो गई है, तब तक तुम आंसर दो, मैं आपको इसमें बैटरी लगा के नई बैटरी डालता हूं, जल्दी फास्ट। यार ये मेरे से लग ही नहीं रहा। तो उसके मैनर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से बताइए फटाफट क्या आंसर होगा, जल्दी फास्ट। क्या आंसर होगा बेटा? चलिए, तो स्पीक ऑफ, स्पीक ऑफ का मतलब होता है रिप्रेजेंट, स्पीक ऑफ का मतलब होता है रिप्रेजेंट, लिख लो जल्दी से, स्पीक ऑफ का मतलब होता है रिप्रेजेंट। उसके मैनर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तुम्हारा व्यवहार तुम्हें रिप्रेजेंट करता है, तो स्पीक ऑफ का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया सभी को यहां तक? और ये भी बहुत आता है, इसका मतलब लिखो, स्पीक आउट का मतलब लिखो, एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, एक्सप्रेस वंस ओपिनियन फ्रेंकली, अपना ओपिनियन फ्रेंकली किसी के सामने एक्सप्रेस करना, स्पीक आउट। कहते हैं ना कि भाई प्लीज स्पीक आउट, कुछ तो बोलो यार, अपनी बात को रखो, स्पीक आउट। तो स्पीक आउट का मतलब अपना ओपिनियन दूसरे के सामने रखना, अपना ओपिनियन सामने लाना, दिस इज कॉल्ड स्पीक आउट। क्लियर हो गया? तो इसका जो आंसर था वो ए था, स्पीक आउट मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर हो गया? और स्पीक फॉर क्या होता है ये भी लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में फर्क नजर आ जाएगा। स्पीक ऑफ का, स्पीक फॉर का मतलब होता है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस समवन एल्स, समवन एल्स, एक्सप्रेस समवन एल्स ओपिनियन, किसी दूसरे का ओपिनियन एक्सप्रेस करना। अब मेरी बात सुनो, दूसरे का ओपिनियन अगर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं तो स्पीक फॉर, और अगर अपना स्पीक, अपना बोल रहा हूं, अपना एक्सप्रेस कर रहा हूं तो स्पीक आउट। क्लियर हो गया? तो दोनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। माया गौतम, थैंक्स फॉर दिस सेशन, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड योर सेशन, योर सेशन इज रियली प्रेजेबल। ओके, थैंक्स अ लॉट बेटा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको रेगुलर वीडियोस देखनी है। चलिए, तो ये आगे समझ में। अब मेरी बात सुनो, इन दोनों को फिर से मेरे साथ एक बार बोलो ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे साथ बोलो फटाफट, जल्दी से सुनो, सुनो मेरे साथ। स्पीक आउट का मतलब होता है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना, टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, वंस मतलब खुद का, स्पीक फॉर मतलब फॉर दूसरे के लिए बोलना, तो दूसरे का ओपिनियन एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस समबडी एल्स ओपिनियन, किसी दूसरे का ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो स्पीक आउट, आउट मतलब खुद बोलना, अपना ओपिनियन, और ये हो गया दूसरे का ओपिनियन। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया सभी को यहां तक? ठीक है, चलो स्पीक अप तो बोलना हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 28 बताओ जल्दी से, ये तो बड़ा ही आसान है, फटाफट जल्दी से आंसर दो। राइट आफ्टर गैप ऑफ द डेड बॉडी, डेड बॉडी को करने के बाद सीरियल किलर जो है उसने पुलिस को कॉल किया ताकि वो उनको टीज कर सके, उनको चिढ़ा सके, जल्दी फास्ट। जल्दी 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 फास्ट। बॉडी को क्या कर दिया? बॉडी को दफना दिया उसने। ईटिंग बी, भाई बी कौन? आफ्टर ईटिंग ऑफ द डेड बॉडी। कहीं दिमाग तो पागल नहीं होगा तुम लोगों का? अबे सीरियल किलर जो है वो डेड बॉडी को खाने के बाद पुलिस को करेगा या दफनाने के बाद? अब लेकिन दफनाने के लिए तो बरी आ रखा है, लेकिन बरी के पीछे प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगती। चालाकी तो देखो इसकी। मुझे पता था तुम भी यही गड़बड़ कर रहे हो। मुझे पता था तुम यही गड़बड़ करोगे और पेपर बनाने वाले को भी पता था यही करोगे कि दफनाने के बाद। लेकिन बरी के पीछे यहाँ बरीइंग द डेड बॉडी आता, ऑफ नहीं आता। बरी के पीछे ऑफ नहीं आएगा। बरी अपने पीछे सीधा क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ये गलती पेपर में मत कर बैठना। तो बरी के पीछे ऑफ नहीं आएगा। बरी ऑफ किसके पीछे आएगा? डिस्पोज के पीछे। एक सेकेंड, ये सी नहीं, ये बी नहीं है, सी है। ये करेक्शन कर लेना, ये सी है बेटा। यहाँ पे तो डिस्पोज के पीछे लगता है ऑफ, और डिस्पोज ऑफ का मतलब है किसी चीज को रफा दफा करना। या तो किसी सामान को बेच देना या किसी चीज को रफा दफा कर देना, फिनिश कर देना, फिनिश समथिंग, तो बरी कर देना। लेकिन अब चालाकी देखो, अगर यहां पर ऑफ ना होता तो बरी इसका आंसर होता, अगर ऑफ आ गया तो डिस्पोज इसका आंसर है। दिमाग देखो, जिसने भी क्वेश्चन ये बनाया है कैसा दिमाग लगाया है उसने। आई ना बात समझ में? ऐसे ही दिमाग लगा क्वेश्चन बनते बेटे। पेपर में चीजें वही आती हैं, बस कंफ्यूज कर देता है वहां पर। क्लियर हो गया सभी को? चलो, तो आज की हमारी सभा का लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट, पेनल्टीमेट क्वेश्चन हमारे सामने है। और क्वेश्चन इस तरीके से है, द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन गैप व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। जब पुलिस ने उसे पहचान लिया तो क्रिमिनल एकदम से हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, पीयूष चौहान बरियल हो सकता है, बरियल हो सकता है। अबे तो मैंने ही बनाया है, तो मैं इसीलिए तो अपनी प्रशंसा कर रहा था। अपनी प्रशंसा भी नहीं कर सकता, सेल्फ रेज भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या अपना इंपॉर्टेंस नहीं दिखा सकते कि मैंने कितनी मेहनत की है? खुद तो करने दो, तुम तो करोगे नहीं। चलो फटाफट आंसर दो। तो टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड। लिख लो, सरप्राइज्ड। ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेज है। टेकन अबैक मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, अगला लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भाई ये क्वेश्चन ना एयरफोर्स एनडीए, सिर्फ एनडीए वालों के लिए है। ये मैंने स्पेशली एयरफोर्स XY ग्रुप वालों के लिए बनाया है और नेवी SSR वालों के लिए बनाया है। नेवी SSR वालों के लिए या RR जो भी है, उनकी क्लास में ये क्वेश्चन आ सकता है। दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। वन ऑफ द पेन्स गैप नो इंक। इंक जो वो बताता है या उसको इंफॉर्मेशन देता है। बहुत सारे पेन हैं, उनमें से एक पेन में, जल्दी फास्ट फटाफट आंसर दो। हिमांशु पाल सर 99 बार लाइक कर दिया। तभी तो बेटा डिसलाइक होते हैं, जब तेरे जैसे नालायक 99 बार लाइक करते हैं ना, तो तभी ये डिसलाइक होते हैं। क्या करूं रे, वाह मेरी सेना। तुम्हारे जैसी सेना को लेके अगर लड़ने चला गया ना युद्ध पे, तो अकेला ही मारा जाऊंगा। चलो आंसर दो फटाफट इस क्वेश्चन का। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑफ एक प्रीपोजिशन है। ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझ लो, ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ये जो कुछ भी है, इस प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा नहीं, तो सब्जेक्ट का काम फिर कौन करेगा? वन। वन यहां पे सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर वन सब्जेक्ट का काम करेगा तो हैव और आर का तो लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्ब कैसी आने वाली है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब या तो हैज आएगा या इज आएगा। ए या डी, ए या सी में से आंसर होगा। हाँ बिल्कुल विशाल सिंह, प्रीपोजिशन के बाद ये जो भी लिखा है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का तो ये काम करेगा। तो बहुत सारे पेन में से एक पेन में इंक नहीं है। अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा आई एम आकार या आई हैव आकार, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी से फास्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं क्योंकि मुझे पता है ये एयरफोर्स नेवी वाले जो ऐसे ही निकम्मे हैं इनको समझ नहीं आएगा, इसको 3D में समझाना पड़ेगा। बोलो आई एम अ कार या आई हैव अ कार, कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से क्या होगा, आई एम अ कार या आई हैव अ कार। हाँ वो मुझे भी पता है लेकिन इनको ऐसे नहीं ऐसे समझ में आएगा, मुझे पता है ये निकम्मे होते हैं, इनको 3D में दिखाना पड़ता है, ये क्लास में भी मुझे बहुत परेशान किया करते थे। बताओ आई एम अ कार या आई हैव अ कार, जल्दी फास्ट जल्दी, आई एम अ कार या आई हैव अ कार। बिल्कुल आपने कहा सर आई हैव अ कार, क्योंकि हैव का मतलब होता है किसी चीज को रखना, हैव मतलब किसी चीज को रखना, पजेस पजेस हैव, और एम मतलब होना, टू बी। आई एम अ कार, मैं एक कार हूं, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो अब मेरी बात सुनो, जो एक पेन है ये पेन इंक नहीं है। वन, इसको मान लो मैं ये ले लेता हूं, वन ऑफ द पेन्स की जगह एक मिनट के लिए ऐसा मान लेता हूं, वन पेन इज नो इंक। वन पेन इज नो इंक का मतलब है एक पेन इंक नहीं है, एक पेन में इंक नहीं है, एक पेन इंक नहीं है या एक पेन इंक नहीं रखता है, पजेस उसके अंदर नहीं है, वो नहीं रखता है, तो इसीलिए पजेशन का जिक्र है और पजेशन के लिए ए आंसर आ जाएगा। चलिए बस आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अपना स्कोर फटाफट जल्दी से मुझे बता दीजिए, स्कोर बताओ बेटा जल्दी से फास्ट, व्हाट्स योर स्कोर, जल्दी एक बार स्कोर लिखो अपना फटाफट जल्दी से फास्ट, अपना स्कोर लिखो फटाफट। एयरफोर्स का भी कुछ नहीं पता बेटा, बेटा ये सीडीएस के लिए, सीडीएस में वो कैब आती है, 10 सिनोनियम आते हैं, 10 एंटोनियम आते हैं सीडीएस के लिए, और 10 आते हैं सीडीएस में आपका इडियम्स। सीडीएस के लिए तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास है ये, वोकैबुलरी हर किसी भी एग्जाम में चले जाओ, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। कोई दुनिया का ऐसा एग्जाम नहीं है जो इंग्लिश आती हो और उसमें ये चीजें ना आए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए। इसीलिए क्लास रोजाना सुबह में सुबह इसीलिए क्लास लेता हूं ताकि आप एक सेट डेली रिवाइज करो। अपना स्कोर लिखो फटाफट। चंचल स्टेनो के लिए, बेटा स्टेनो में तुम्हारा 100 नंबर की आती है इंग्लिश, 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर की जीएस आती है और 50 नंबर की रीजनिंग आती है, मैथ्स आती नहीं है। अगर इंग्लिश भी ढंग से कर ली ना, 90+ कर लिया तो स्टेनो का पेपर तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है। मैथ्स ना भी हो तो भी स्टेनो का पेपर बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। तो इस इंग्लिश में वहां 10 वो कैब आती हैं, 10 सिनोनियम आते हैं, 10 एंटोनियम आते हैं, स्पेलिंग एरर आते हैं, ईडियम आते हैं। वो इस स्टेनो तो एसएससी का ही तो पेपर है और एसएससी में के लिए तो रामबाण है ये। मैंने कहा ना कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इसके बाहर आ जाएगा, वोकैबुलरी की बात करूं तो। नंबर दे दो, नंबर का क्या करेगा भाई नालायक, ले नंबर ले ले, 9997034744 ये नंबर है। लेकिन अगर मैं कॉल ना आ पाऊं तो मैं बाद में अपने आप कॉल कर दूंगा, मेरी क्लास रहती है दिन भर, रिकॉर्डिंग चलती रहती है। ठीक है तो चलो बच्चों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कल इसी समय पर। और ग्रामर की क्लास को एक बार शेयर कर दिया करो, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतना ही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। और कमेंट वगैरह करते रहा करो, लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका ही सपोर्ट है जो मुझे मोटिवेट करेगा आगे काम करने के लिए। बेटा मेरी बात सुनो, गेट और कैट की अगर मैं बात करूं तो गेट और कैट के लिए ये समझ लो कि अगर गेट का या कैट का 100% का लेवल है तो ये मान लो कि ये 60% है। तो अगर तुम 60% करते हो तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आगे चलते चलते मैं इनका लेवल वोकैबुलरीज का बहुत स्ट्रांग उठाऊं, बहुत ज्यादा हाई लेके जाऊंगा। तो क्योंकि मुझे पता है अभी सारे बच्चे मेरे साथ बेसिक जुड़े हुए हैं, तो मुझे एनडीए भी ध्यान रखना है, मुझे एयरफोर्स भी ध्यान रखना है, मुझे XY ग्रुप भी ध्यान रखना है, मुझे सीडीएस भी ध्यान रखना है, मुझे बैंकिंग को भी ध्यान में रखना है, मुझे SSC भी ध्यान में रखनी है, EPFO को भी ध्यान में रखना है, इंश्योरेंस के एग्जाम भी ध्यान में रखने हैं और आगे कैट तक भी लेके जाना है। लेकिन बेटा हर चीज की शुरुआत स्क्रैच से होती है, बिगिनिंग से होती है, तो मुझे भी बेसिक लेवल रखना है। आप ये करते रहो धीरे धीरे, अभी तो 30 से 35 दिन हुए हैं, धीरे धीरे आपको वहीं ले जाके छोड़ूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। अगर मुझ पे भरोसा है तो विश्वास करो, बाकी टाइम बताएगा आगे, ठीक है। तो चलिए भाई, मुझे बहुत जोरों से भूख की है, प्लीज कल मैं आपको शायरी सुनाऊंगा, कल लाइक बढ़ा देना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।